फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो आज का मैं फुल वीडियो बनाना चाहूँगी ककड़ी पे, क्योंकि ककड़ी बहुत अच्छा मतलब फल है। ये साल में जो है गर्मी के मौसम में ही सिर्फ उगेगा और आपको खाने के लिए मिलेगा, इसलिए अपने घर में ककड़ी का पौधा ज़रूर लगाएं। खीरा तो आपको सालों साल मिल जाएगा, बट ककड़ी ऐसी चीज़ है ना जो होता है ना सीजन में हमें कोई भी फल खाना चाहिए, तो इसलिए मैं ककड़ी को बताती हूँ। और ये काफ़ी इजी टू ग्रो प्लांट है और इसे लगाना भी बहुत आसान है, और इसकी फ्रूटिंग खीरा से भी बहुत ज़्यादा होता है। खीरा में तो आपको फ्रूटिंग कम होगा, बट ककड़ी में फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होगा, तो आप इसे घर में आसानी से लगा सकते हैं। इसे आप चाहे तो छोटा बड़ा हर साइज के गमले में भी, मतलब बड़ा साइज का जैसे जब भी हो, जैसे गमला तो मैं नहीं कहूँगी, थर्माकोल हो गया, ड्रम हो गया, इस टाइप के, या फिर ग्रोबैग्स हो गए, इस टाइप के जो भी चीज़ें हैं उनमें आप लगा सकते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग होगा। गमला में तीन चार फल जाएगा तो वो तीन चार का मज़ा नहीं ना होता है। जब भी हम क्वांटिटी में, जैसे मन न भर जाए वैसा होना चाहिए ना खाने में, तो इसलिए मैंने एक ये ग्रो बैग है जो देख सकते हैं, इस ग्रो बैग में मैंने लगाया है। ये ग्रो बैग का साइज है 5 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा और 1 फीट इस हाइट की है, और इस ग्रो बैग में हमने सिर्फ ककड़ियाँ डाली हैं। और ककड़ियाँ की बीजे की मैं बात कर दूँ तो इसे मैंने बीज से डाला था और ये 15 बीज मैंने इसमें डाली हूँ, क्योंकि मुझे पौधा इसका मिला नहीं था और बीज था तो मैं मार्केट से हाइब्रिड, मतलब उन लोग को बोलिएगा कि ककड़ी की अच्छी क्वालिटी की बीज दीजिए तो वो दे देते हैं, तो मैंने अच्छी क्वालिटी की बीज लाई थी। बट क्या है ना कि मेरी ककड़ियाँ थोड़ी गोल हो गई हैं, आप सब देख सकते हैं इस तरह से हमारी ककड़ियाँ हैं, तो इसका रीज़न मैं बता दूँ इसलिए ये है क्योंकि इन्हें मैंने बेल पर नहीं चढ़ाया है, ये मतलब इसी ग्रो बैग के अंदर घुरमुरा के फर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है ना कि इनका साइज अपने टेढ़ा मेढ़ा टाइप का, अगर ये लटक के फरते तो लटकने का भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप इसे बेलदार सब्जियां में लटका नहीं सकते हैं क्योंकि इसका जो भी ये नोट्स होता है ना, ये काफ़ी कमज़ोर होता है। अब ये इतनी कमज़ोर नोट्स होती है कि थोड़ा अब गर्मी का मौसम है, आंधी आएगी तो ये नोट्स पूरी टूट जाएगी, बेल ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे इसमें लगाया। अगर हम इसकी सॉइल मिक्सचर की बात कर लें तो ये देख सकते हैं ये सॉइल मिक्सचर है, और इस सॉइल मिक्सचर में हमने जो डाला है इसमें 2.5 बोरी मात्र मिट्टी है, 25 kg बर्मी कंपोस्ट डाला गया है और 5 kg वाला ब्रिक है कोकोपीट का, उसे 3 से 4 बार वाश करके अच्छे से धो के इससे पूरे तैयार किया गया। क्योंकि इसमें 25 kg बर्मी डालने का ये भी रीज़न था कि ये मैंने नीचे चढ़ा रखा है, अब मैं इसकी गुराई नहीं कर सकती हूँ क्योंकि देख सकते हैं आप सब बेलें कितनी ज़्यादा हो गई हैं। ये देखिए इस तरह से पूरी बेलें जो हैं पूरी ये कवर कर दी हैं, तो गुराई करने में नहीं बनेगा, गुराई भी करेंगे तो इसकी जो भी नोट्स हैं या फिर जो भी ये है वो कट जाएगा तो मेरा प्लांट ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसमें एक बार ही काफ़ी बर्मी डाल करके लगा दिया गया है। क्या है बस अपना वही एक मिक्सचर बनाकर डायरेक्ट बीज लगा दी गई, और इस तरह से इसकी फल भी देख सकते हैं किस तरह से लंबे फल निकलते हैं इसके, ये देखिए अब ये फल चल पड़ेगा। इसकी मैंने थोड़ी सी बेलें इधर थी तो मैंने बहुत ये हो रहा था तो लटका दिया, और इस तरह से ककड़ियाँ देखिए। और ककड़ी की खास बात ये है कि आपको इतना ज़्यादा फल देगा आपको ये, मतलब अगर 4-5 ककड़ियाँ टूट गई तो 3-4 दिन में देखिएगा कि इस तरह से और बड्स निकल गए और 4-5 ककड़ियाँ तैयार हो गई, मतलब आपका जो ककड़ी है वो हर 3rd से 4th दिन आप देखेंगे थोड़ा सा और वो हो जाएंगी बहुत सा। तो इस तरह से हम ढूंढ ढूंढ कर ककड़ियाँ खाते हैं, ये देखिए कैसे छिपी रहती हैं, लगती है कि ये ककड़ियाँ जगह कैसे छिप के बैठी रहती हैं और ढूंढ ढूंढ के खाते हैं, तो ये बहुत अच्छा भी लगता है। तो आप चाहे तो आसानी से इसे अपने घर में लगाएं क्योंकि ये सीजन में एक ही बार मिलने वाला पौधा है, और ये काफ़ी टुनुक प्लांट भी है, इसे हम लोग टुनुक बोलते हैं इसलिए क्योंकि इसमें अगर 2-3 बरसातें अगर हो गई तो इसका प्लांट जो है ना बिल्कुल गल जाएगा, इसलिए ये मतलब आप सही समय पर लगाएं। इसका बीज आप फरवरी में ही डाल दें, हार्डली आप 10 से 15 फरवरी तक अगर इसका बीज डाल देते हैं तो काफ़ी आप मतलब मार्च से 1st वीक से ही, मतलब ये थोड़ी सी बेल होगी, मतलब 20 से 25 दिन में आपका इसका फल धरने लगता है, थोड़ी सी भी बेल होगी और फ्रूटिंग होने लगता है, तो ये सब बातें होती हैं। तो इस तरह से जो भी हमारे फल हैं वो लगते हैं और बहुत ज़्यादा फल लगते हैं, और इनको फुल सनलाइट में भी लगा सकते हैं, इन्हें पूरी धूप चाहिए
हाँ थोड़ा इसको मतलब नमी मिलते रहना चाहिए, इसलिए हमने इसे फ्रूटिंग देगा। तो आप अपने घर में आसानी से इसे लगा सकते हैं। डिजीज की जहाँ पे बात हो इसमें कीड़े का, तो वैसे कोई कीड़े का उतना ज़्यादा इसमें अटैक नहीं होता है। हाँ थोड़ा बहुत तो जो मतलब कीड़े हैं जो आपको लगे, जैसे देखिए लीफ माइनी तो हमको हर सब्जी में दिखता है, इसलिए मैं इससे कोई वैसा नहीं है। और मतलब हर मैं अगर सप्ताह की बात करूं तो हर सप्ताह मैं मतलब मिर्च की फंगीसाइड जो बनाती हूं, मिर्च हो गया, तीखी वाली जो मिर्च होती है बुलेट मिर्च जिसे बोलते हैं, और प्याज लहसुन अदरक का मतलब मिक्सी में पीस के जूस निकाल के उसको हर सप्ताह मैं अपने प्लांट में स्प्रे करते रहती हूँ। तो जैसे कीड़े लग गए, अब इस प्लांट में थोड़े कीड़े लगे होंगे, तो देखिए कीड़े तो मर गए पर पत्ते जल गए, तो ये भी होता है। अब कीड़े तो है नहीं, वहीं कुछ कुछ फुटाव होगा अच्छे अच्छे, अब ये छोटे छोटे प्लांट्स देख इस तरह से निकलेंगे, हेल्दी रहेंगे और ये जो प्लांट बहुत सॉफ्ट रहेंगे और इन्हें अच्छी फ्रूटिंग देंगे और लंबे समय तक फ्रूटिंग देंगे। तो आप चाहे तो उस तरह से भी कर सकते हैं। गौ का मूत्र जो होता है उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं पौधे के लिए, वो एक के समझिए कि फंगीसाइड का बहुत बड़ा फंगीसाइड है अपने आप में। तो आप चाहे तो गौमूत्र से अगर कोई बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, गौमूत्र की नीम की पत्तियां डीप करके, मतलब बहुत होता है ना कि एकदम पावरफुल अगर बनाना चाहते हैं तो ये सब चीज़ करिए। अगर आप टेम्परेरी जैसे कि है कि अब मैं बना नहीं सकती हूँ, तो चलिए भाई गौमूत्र को ही सिर्फ ले आइए मार्केट से और आसानी से उसको हर सप्ताह 100 ग्राम गौमूत्र लीजिए और 1 लीटर पानी लेकर अपने पूरे प्लांट पे स्प्रे कर दीजिए, जिससे आपके पौधे में जो है कीड़े का अटैक काफ़ी कम रहेगा और फल फूल काफ़ी अच्छे धरेंगे और ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहेगा, पौधे में ग्रीनिश बनी रहेगी। तो बस ककड़ियाँ अपने घर में आसानी से लगाए, साफ हमको तो लगता है अभी तक जो है सबसे आसानी से उगने वाला मेरा अगर देखा जाए तो ये ककड़ियाँ ही हैं, जिसमें ना उतना कीड़े का अटैक ना कोई प्रॉब्लम। हाँ फल है या सब्जी है जो भी है तो थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी ना, अब कोई भी सब्जी ऐसी नहीं होती है कि उसमें कुछ ना लगे, थोड़ी तो डिजीज हर चीज़ में है। तो इसलिए मुझे ये सबसे ईजी टू ग्रो प्लांट लगा, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं और ज़्यादा खाद भी देने की ज़रूरत नहीं है, पानी भी मतलब अगर क्योंकि ये तो इसमें फुल पानी की भी मात्रा ज़्यादा रहना चाहिए, मतलब नमी बना के रखना चाहिए, ये नहीं कि एकदम गलक जाए पौधा, बस नमी मेंटेन रखिए और अपने घर में ककड़ियाँ लगाइए इस तरह से, बिल्कुल इजी टू ग्रो प्लांट। और हर रोज़ आप ककड़ी खा सकते हैं बाज़ार से, कम से कम ये ककड़ी ऐसा चीज़ है कि आपको बाज़ार से ख़रीदने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस एक सीज़न में आसानी से आप खा सकते हैं। तो इसलिए मैं तो आप अपने ककड़ियों की हार्वेस्टिंग करते रहिए और जल्दी जल्दी हार्वेस्टिंग करेंगे तो फ्रूटिंग भी जो है आपको जल्दी जल्दी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचिएगा कि हार्वेस्टिंग ना करें और फ्रूटिंग लेते रहे, क्योंकि फल काटिएगा तो ये सेकेंड फल में अपना अब दिमाग लगाएगा पौधा, अब सेकेंड फ्रूट को डेवलप करेगा, इसलिए फ्रूटिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो आप फ्रूटिंग भी लेते रहिए, हार्वेस्ट कीजिए और घर में खाइए। और एक मैं यहाँ हार्वेस्ट कर लेती हूँ, एकदम सोए हुए लग रहा है, ये देखिए कैसे सोए, ये मिट्टी में होने के बाद भी उतनी ख़राब नहीं हुई है, क्योंकि मिट्टी जो है ना नीचे पूरा बेल से ढक गई है इसलिए। तो ये देखिए पूरी ककड़िया कितनी सारी हो गई, अब इतनी ककड़िया बताइए हम बाज़ार से अगर ख़रीदने जाएं तो 15 की एक पीस देती है, तो हमारे घर की अगर ये ऑर्गेनिक ककड़िया हो गई खाने के लिए, और लगाने का तो कोई इसमें टेंशन ही नहीं है, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। और इसकी हार्वेस्टिंग आपको हम फिर चौथे दिन अगर ये तो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, पर हर रोज़ रोज़ तो ककड़ी पर वीडियो नहीं बनाऊँगी ना, हर चौथे दिन फिर मेरी 4-5 ककड़िया तैयार हो जाएगी। तो ये होता है, अगर मैं इसे 2 दिन छोड़ देती, अगर हमको खाना है तो एक खाएंगे रोज मतलब तोड़ के, वो भी हो सकता है, पर मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, इसलिए मैंने ये देखिए सेप में ककड़िया इस तरह से हार्वेस्ट करके आपको दिखा रही हूँ। और आज आसानी से अपने घर में ककड़िया लगाएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।